देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं आपके साथ उजश्वी श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का। मॉर्निंग न्यूज में जानेंगे पूरे दिन क्या होने वाला है, साथ ही जानेंगे राजनीति से जुड़ी कुछ बातें। तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज का सिलसिला। आज केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे पानीपत का दौरा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आज यानी 18 नवंबर को पानीपत के दौरे पर होंगे। बता दें इस दौरान वह यहां बड़े बड़े टेक्सटाइल उद्योगों को देखेंगे। आज विदिशा कलेक्टर की अध्यक्षता में आज यानी 18 नवंबर को होने वाली टीएल बैठक का एजेंडा जारी कर दिया गया है। बता दें कि संयुक्त कलेक्टर एवं टीएल बैठक का जिला नोडल अधिकारी मोहनी शर्मा ने बताया कि एजेंडे में राजस्व वसूली पर चर्चा होगी। झारखंड में दूसरे चरण के लिए आज थमेगा चुनाव प्रचार। झारखंड के 38 विधानसभा क्षेत्रों में आज यानी 18 नवंबर को चुनाव प्रचार थम जाएगा। बता दें कि आज शाम 5 बजे के बाद प्रत्याशियों को प्रचार की अनुमति नहीं होगी, वह केवल डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकेंगे। स्मरण दिवस पर आज देंगे श्रद्धांजलि। भीलवाड़ा में भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत की सभी शाखाएं आज यानी 18 नवंबर को विश्व स्मरण दिवस मनाएंगी। बता दें कि यह निर्णय मध्य प्रांत के अध्यक्ष गोविंद प्रसाद सोडानी की अध्यक्षता में हुई प्रांतीय बैठक में लिया गया है। आचार्य सुंदर सागर के सानिध्य में आज से जिन सहस्त्रनाम विधान। भीलवाड़ा में तिलक नगर स्थित यश विहार में श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ मंदिर एवं सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में आचार्य सुंदर सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में आज यानी 18 नवंबर से 4 दिवसीय जिन सहस्त्रनाम विधान के साथ ही विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होंगे। आज से मिलेगा मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण। जिला उद्यान कार्यालय के तत्वावधान में सरकार के बागवानी विकास कार्यक्रम के तहत संयुक्त कृषि भवन औरंगाबाद में आज यानी 18 नवंबर से मशरूम उत्पादन का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू होगा। बिल्हौर मकनपुर में आज से शुरू होगा उर्स। बिल्हौर मकनपुर में हजरत सैयद बदीउद्दीन कुतुबल मदार उल आलमीन का 3 दिवसीय उर्स आज यानी 18 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेगा। बता दें कि सरकार सैयद बदीउद्दीन अहमद कुतुबल मदार उल आलमीन के चाहने वाले मकनपुर पहुंचेंगे। आज से भराया जाएगा एलबी का परीक्षा फॉर्म। एमयू द्वारा अपने एकमात्र विधि संस्थान विश्वनाथ सिंह लॉ कॉलेज के सत्र 2023 और 26 एलएलबी सेमेस्टर 2, सत्र 2022-25 एलएलबी सेमेस्टर 4 तथा सत्र 21-24 एलएलबी सेमेस्टर 6 के लिए आज यानी 18 नवंबर से परीक्षा फॉर्म भराया जाएगा। राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप जम्मू में आज से। राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप आज यानी 18 नवंबर से जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में शुरू होगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के महासचिव फारूक सलरू ने बीते दिन शनिवार को बताया कि पुरुष और महिला दोनों वर्गों में चैंपियनशिप 21 नवंबर आयोजित होगी। जम्मू कश्मीर के खेल मंत्री सतीश शर्मा चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। बिहार में आज घने कोहरे का अलर्ट जारी। बिहार में मौसम ने पूर्णिया समेत 5 जिलों में अपना गियर बदल दिया है। पटना मुजफ्फरपुर गया पूर्णिया भागलपुर जिले में तापमान में गिरावट आई है। बाकी जिलों में भी सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास होने लगा है। इसके साथ ही जानेंगे क्यों है आज का दिन इतना खास, क्या हुआ था आज के दिन, ये जानेंगे आज के इतिहास से। तो चलिए जानते हैं। आज के दिन साल 1738 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। आज के दिन साल 1909 में अमेरिका ने निकारागुआ पर हमला किया। आज के दिन साल 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक कमलनाथ का जन्म हुआ था। आज के दिन 1956 में मोरक्को ने स्वतंत्रता हासिल की थी। आज ही के दिन 1962 में परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक शैतान सिंह का निधन हुआ था। फिलहाल के इस मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।